स्वागत है आपका इंडोर गार्डनिंग चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीजी प्लांट के बारे में। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। तो साइंटिफिक नेम इसका है जैमियो पुलकास। एक खूबसूरत प्लांट है। इसके बहुत सारे कॉमन नाम हैं जैसे जंजीवर जैम, जीजी प्लांट, जूजू प्लांट, रॉयड पाम, इटर्निटी प्लांट और एमराल्ड पाम। और ये एक जेनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है जो कि एरेसी फैमिली से है और ये सिंगल स्पेसिस ऑफ जीमियो पुलकास जैमिफोलिया से है। तो ट्रॉपिकल पेरिनियल प्लांट है ये, और ये ईस्टर्न अफ्रीका से जनरेट हुआ था। साउदर्न केन्या से नॉर्दर्न ईस्टर्न अफ्रीका तक ये दिखता है। इसमें एक जो नीचे का जो स्टेम होता है ये नीचे मोटा सा गोल के बल्ब जैसा दिखता है, इसको राइजोम बोलते हैं। राइजोम जैसे आपके जिंजर में पाया गया जाता है और ये पानी को स्टोर करता है और रेनफॉल आने तक जो पानी का स्कर्सिटी होता है उसको मिटा देता है। तो इसके जो लीव्स होते हैं वो फिदर जैसे लगते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, डेकोरेशन के लिए आप घर में, किचन में, बेडरूम में, बहुत सारे जगह पे आप रख सकते हैं। ये काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट है और काफ़ी सारे लोग ये एक मिस्टेक करते हैं, बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं तो ये मर जाता है। जैसे बहुत पानी देना या फिर सनलाइट में रखना, बार बार इसका केयर करते रहना, ये इसीलिए ये इसके लिए ख़राब होता है। देन हम लोग और एक चीज़ जानते हैं इसके बारे में कि लाइट के बारे में, ये काफ़ी लो लाइट पसंद करता है। आप लाइट में भी ना रखें या बहुत ज़्यादा लाइट, जो सनलाइट डायरेक्ट में, तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये बिगेस्ट मिस्टेक होता है। इसको जब ये लीफ बर्न होने लगता है या फिर येलोइश होने लगता है तो जल्दी आप समझ जाइए और इसको शेड में ले आइएगा। इसके लीफ जो है बहुत शाइनी होते हैं, आप जैसे देख सकते हैं काफ़ी शाइनी लीव्स होते हैं। तो ये उसकी खूबसूरती फोलियज से बहुत बढ़ता है। इसका ग्रोथ बहुत स्लो होता है, डायरेक्ट सनलाइट से, जैसे मैं बताया था कि ये बर्न करता है, इसको इनसाइड ही रखना बेहतर है, ट्यूबलाइट हो तो और बढ़िया है। ये एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है जो कि टॉल्यून और जाइलिन, ये जो केमिकल सब्सटेंस है, इथाइल बेंजीन, बेंजीन भी करता है बट ज़्यादातर टॉल्यून और जाइलिन को ये एटमोसफियर से रिमूव करता है, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं बर्निंग से, पेट्रोल बर्निंग से ये ट्रैफिक से ज़्यादा आता है। इसमें सॉयल कैसा चाहिए, ये जो सॉयल आप देख सकते हैं ये वेल ड्रेन सॉयल होना चाहिए क्योंकि ये बल्ब प्लांट है। कोई भी बल्ब प्लांट जो होता है जिसका राइजोम इतना बड़ा होता है, वाटर स्टोर करता है, उसमें वेल ड्रेन सॉयल जरूरी होता है। इसको आप बोल सकते हैं पोरस सॉयल, जो कि इसमें पानी आराम से भेद के नीचे जल्दी जा सकता है, एक्यूमुलेट नहीं होता है। पानी कब देना है, ये इसमें अगर ओवरवाटरिंग करते हैं तो ये जो राइजोम होता है वो गल जाता है। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, काफ़ी दिन के अंतराल में इसको भूल जाइए, ज़्यादा केयर मत कीजिए और पानी दीजिए। कोशिश कीजिए थोड़ा सा मॉइस्ट रखने के लिए बस सॉइल को कभी कभी। और ये ज़्यादातर ओवरवाटरिंग की वजह से ही मरता है, ये कॉमन मिस्टेक है। लाइट, लाइट इसको इनडायरेक्ट लाइट, जो लो लाइट जो मैं बोला था वही चाहिए। तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा लो लाइट भी सस्टेन कर लेता है। फर्टिलाइजर इसके लिए ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो मंथली एक बार एनपीके जो 19:19:19 होता है उसको देना चाहिए। ये जैसे कि पॉट बहुत छोटा है, इसमें एक लीटर में हाफ स्पून अगर आप मिला के प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें थोड़ा कम दीजिएगा, मतलब नॉट इवन हाफ लीटर उतना दीजिएगा, और पॉट साइज के हिसाब से वो बढ़ सकता है। इसका अगर 2.5 गुना करीब अगर हो जाए पॉट साइज तो ये बढ़ जाएगा, उस हिसाब से 1 लीटर पूरा उसको देना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी इसको ज़्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि राइजोम बल्ब वाला प्लांट है, तो इसको ह्यूमिडिटी बिल्कुल बहुत लेस चाहिए। उसको ह्यूमिडिटी पसंद, बाकी सब इंडोर गार्डन करते हैं, ये नहीं करता है, इट्स एन एक्सेप्शन। और एक चीज़ है टॉक्सिसिटी, इसमें जो सैप निकलता है इधर बूंदे जैसे होके, वो उसमें सेंसिटिव टू स्किन होता है इसमें, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, ये स्किन में इरिटेशन कर सकता है, बर्निंग कर सकता है। और अगर घर में पेट्स या कोई बच्चे हो तो ये उनको नहीं देना चाहिए। इसको साफ करने के लिए मैं जैसे करता हूँ, एक सॉफ्ट क्लॉथ या एक मैं अपना हैंकी ले लिया हूँ
इसको पानी में जस्ट डुबा के, ये पानी है तो पानी में डुबा के मैं एक बार थोड़ा निचोड़ के इसको बहुत सॉफ्टली जेंटली इसको ऐसे साफ कर सकते हैं। ये शाइनिंग इसका बढ़ जाता है क्योंकि इसमें वाइट वाइट मैला जैसे सब्सटेंस रहते हैं। इसको अगर ज़्यादा हार्ड पॉलिश या ब्रश में करते हैं तो इधर थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है हार्डी प्लांट होने के बावजूद, तो ये हो सकता है डैमेज हो सके। इसीलिए अब इसको सॉफ्टली आराम से कंफर्टेबली इसको साफ कीजिए। तो ये था जीजी प्लांट के बारे में कुछ टिप्स एंड केयर और मिस्टेक्स जो हमेशा वो अपलोड करते हैं, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स।